क्या हाल है? ठीक हो काशीराम? आशीर्वाद है। घर पे सब लोग ठीक हैं? क्या हमारे साथ इस वक्त ज्योतिराज सिंधिया जी मौजूद हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न किए लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं। जो मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड जो तोड़ा गया, लोगों ने आगे आकर वैक्सीनेशन करवाई, उसके लिए आप लोगों को बहुत कुछ शुभकामनाएं। लेकिन राहुल गांधी जी ने अभी इस पर एक कटाक्ष किया है कि अगर सुविधाएं दी जाती तो दूसरी लहर में 90% लोगों को बचाया जा सकता था। कठिनाई ये है कि कांग्रेस पार्टी जनसेवा के पथ पे नहीं, जनरक्षा के पथ पे नहीं। कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीति के पथ पे, ऊपर से नीचे तक। भयंकर प्रकोप पूरे विश्व में आ रहा है कोरोना में, और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? या तो ये वैक्सीन गलत है, वैक्सीन मत लो, वैक्सीन अप्रूव नहीं है, वैक्सीन में कुछ चमड़ी है। और आज वही लोग जो आरोप लगा रहे थे और वही लोग जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे थे, वही लोग भागम भाग जाकर वैक्सीन लगाने के कतार में खड़े हुए। ये कांग्रेस की नीति है और इसलिए आज कांग्रेस की यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पहली और दूसरी लहर का मुकाबला देश ने कर्मठता से किया है, राजनीतिक नेतृत्व के आधार पर, केंद्र और प्रदेश सरकार के आधार पर, हमारे डॉक्टरों के आधार पर, हमारे नर्सेस के आधार पर। आप लोग जो मीडिया के लोगों ने भी जनसेवा का पथ अपनाकर एक उदाहरण दिया है, जहां कमियां हैं उनका मदद करने की भी आप लोगों ने कोशिश की है, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, हम जनसेवकों ने। और कांग्रेस ने क्या किया? बस ट्विटर पे बैठ के आलोचना करना, जो हो रहा है उसमें योगदान न देना, लेकिन जो हो रहा है उसको भी नीचे दिखाना, यही कांग्रेस की नीति है। और कांग्रेस अपने आप इसी स्थिति पर, जो आज वर्तमान की स्थिति कांग्रेस की है, उससे भी ढलान पे रहेगी अगर यही मानसिकता कांग्रेस की रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी नामदारों की है और भारतीय जनता पार्टी कामदारों की। प्रधानमंत्री जी ने भी 24 तारीख को 24 तारीख को